I hope everyone can see. I hope everyone can see the whiteboard. So let us see what is this biname reaction, which is called as the Reformatsky reaction. So this is called as the Reformatsky reaction, which involves the carbon zinc or the organo zinc compounds. So actually, it is a way to prepare beta hydroxy ester. So this is how you prepare beta hydroxy ester. So when you start with the compounds which contain, so it's actually a reaction which consists in treating an aldehyde or a ketone which contains a carbon double bond O. So as you know, aldehyde or ketone both contain a carbon oxygen bond. So you do a reaction with alpha bromo ester and metallic zinc. So ye alpha bromo ester hai. और जिंक के साथ रिएक्शन करने के बाद यू गेट दिस एज द इंटरमीडिएट. नाउ व्हेन दिस इंटरमीडिएट रिएक्ट्स विद द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन द प्रेजेंस ऑफ अ ड्राई सॉल्वेंट यू फॉर्म एन इंटरमीडिएट व्हिच अंडरगोज हाइड्रोलिसिस टू फॉर्म द बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर. व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज यू हैव टू जस्ट लर्न दिस रिएक्टेंट. यू हैव टू जस्ट लर्न दिस रिएक्टेंट. इफ यू आर एबल टू लर्न दिस रिएक्टेंट automatically you'll be able to write both the steps. So what is important is that you have to learn what is this reactant and ये product बन जाएगा. इसमें सिर्फ Zn लगाना है, उसके बाद उसको आपने एल्डिहाइड या कीटोन के कार्बोनिल के साथ रिएक्ट करना है. और यहाँ पे एडिशन, आपको पता है ये हम कार्बन पे ऊपर एडिशन करते हैं, आपको पता है कि ये वाला जो है वो कार्बन के ऊपर ऐड हो जाता है एंड देन यू गेट दिस इंटरमीडिएट व्हिच इज कॉल्ड एज द बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर. इट इज अ वेरी क्लियर कट सिंपल मेथड व्हिच इज यूज्ड टू प्रिपेयर बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर इन जस्ट टू स्टेप्स यूजिंग ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड. द नेम ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड एज रिफॉर्मैट्स्की रिएक्शन. आई रिपीट, द नेम ऑफ द रिएक्शन बाय नेम इज कॉल्ड एज अ रिफॉर्मैट्स्की रिएक्शन टू प्रिपेयर बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर. सो आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर हाउ यू प्रिपेयर अ रिफॉर्मैट्स्की रिएक्शन. देर आर अदर रिएक्शंस ऑल्सो ऑफ द ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड, बट आई थिंक दे आर नॉट सो इम्पॉर्टेंट. मोर इम्पॉर्टेंट आर दोज रिएक्शंस विच आर ऑफ द ग्रिगनार्ड. सो वॉट आई वॉन्ट इज लेट अस रिवाइज, लेट अस डू अ रिविजन, अ रिकैप ऑफ द थिंग्स दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. सो लेट अस डू अ रिकैप ऑफ द थिंग्स दैट वी हैव ऑलरेडी डन एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड वॉट इज द चैप्टर ऑल.